गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के सेक्शन सी में वेरिएशंस की बात करेंगे। वेरिएशंस क्या होते हैं, विभिन्नताएं क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक जैव समिष्टि यानी पॉपुलेशन में पाए जाने वाली विभिन्न असमानताओं को, असमानताओं का मतलब विभिन्न प्रकार के गुण लक्षण अलग अलग प्रकार के हों तो उनको हम वेरिएशंस कहते हैं। ये विभिन्नताएं आयु, लिंग, जीवन और जीवन चक्र की अवस्थाओं व सामान्य फिजियोलॉजिकल चेंजेस से संबंधित नहीं होती हैं। यानी एक ही अगर पेरेंट की संतानों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विभिन्नताएं एक प्रमुख उद्विकासीय बल है, एक तरह से ये एवोल्यूशनरी फोर्स है और इसमें से एवोल्यूशन को बहुत बल मिलता है। ये तथ्य है कि विभिन्नताओं को की उपस्थिति में उद्विकास संभव नहीं है, ये पक्की बात है कि वेरिएशंस नहीं है तो एवोल्यूशन संभव नहीं है। कुछ विभिन्नताएं आनुवंशिक होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना प्रभाव दर्शाती हैं, इनको इनके उद्विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ व्यवहारिक कारणों के कारण उत्पन्न होती हैं, पर्यावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं जो एक जंतु तक सीमित रहती हैं, इंडिविजुअल जंतु तक सीमित रहती हैं। अब बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। विभिन्नताओं को निम्न तीन समुच्चय रूप में जाना जाता है। पहला है गणनीय विभिन्नताएं यानी कि परिमाणी विभिन्नताएं, दूसरी है सतत अथवा विचल विभिन्नताएं, असतत अथवा उत्परिवर्तन भी कह देते हैं, कायिक विभिन्नताएं, जननिक विभिन्नताएं। तो अलग अलग प्रकार की ये विभिन्नताएं होती हैं। पहला जो समुच्चय है उसमें गणितीय विभिन्नताएं हैं, तो ऐसी विभिन्नताएं जिन्हें संख्यात्मक रूप से गिना जा सके गणितीय विभिन्नताएं कहलाती हैं। मनुष्य के हाथ अथवा पाँव में 5 के स्थान पर 6 उंगलियों का पाया जाना, मनुष्य में 12 पसलियों के स्थान पर 13वीं पसलियों का पाया जाना आदि आदि उदाहरण हो सकते हैं। तारा मछली में 5 के स्थान पर 6 भुजाओं का होना, तो ये भी एक विभिन्नताओं का उदाहरण माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट अपन कह सकते हैं परिमाणात्मक या गुणात्मक विभिन्नताएं। ऐसी विभिन्नताएं जिन्हें संख्यात्मक रूप से गिना नहीं जा सकता, जो केवल गुण के आधार पर या परिमाण के आधार पर पहचानी जाती हैं, उन्हें गुणात्मक विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे मनुष्य की ऊंचाई है, गिन नहीं सकते इसकी ऊंचाई को अपन, लेकिन इसको अपन परिमाण के आधार पर या गुण के आधार पर अपन इसको देख सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। मनुष्य में नेत्रों की आकृति को नहीं गिन सकते अपन, जैसे आकृति अलग अलग होती है, और रंग मनुष्य के कान और नाक की आकृति, रोम और होम का रंग, पौधों की लंबाई और पौधों में पत्तियों की आकृति, ये सब अलग अलग ऐसे उदाहरण हैं जो परिमाणात्मक रूप से या गुणात्मक रूप से जाने जाते हैं। सेट टू की बात करें, समुच्चय टू की बात करें, तो पहला जो उसमें आता है वो सतत या विचल विभिन्नताएं। ऐसी विभिन्नताएं जो औसत के दोनों ओर निरंतर रूप से विचलित होती रहती है, उन्हें सतत या कंटिन्यूअस वेरिएशंस कहते हैं। उन्हें विचलन के दोनों ओर पाए जाने के कारण धनात्मक या ऋणात्मक विचलन भी कहते हैं। डार्विन के अनुसार विचल उद्विकास के लिए अति महत्वपूर्ण कारक है। सतत विभिन्नताएं एक श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं और ये हमेशा गुणात्मक होती हैं, यानी कि इसमें गुणावगुण की बात अपन
करते हैं। मनुष्य की ऊंचाई में पाए जाने वाले वेरिएशंस, एग्जाम्पल के रूप में ले मैं तो मनुष्य की जो ऊंचाई में वेरिएशंस मिलेंगे वो इसके अंतर्गत गिने जा सकते हैं। दूसरी भिन्नता की बात करें तो वो असतत जो भिन्नता है ये हमेशा अकस्मात उत्पन्न होती हैं और औसत से इनका विचलन अत्यधिक होता है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले बड़े और अकस्मात परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। ह्यूगो डी ब्रीज ने यह माना कि यह उद्यम विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। कुछ असतत विभिन्नताएँ गणनीय भी होती हैं, यानी काउंटेबल हैं। मनुष्य के हाथ में 5 के स्थान पर 6 और बा 7 अथवा 8 उंगलियों का पाया जाना, भेड़ को कभी कभी 2 सुरंगों के स्थान पर 4 सींग का पाया जाना, बिना कांटे वाले के पौधों का बनना, बिना कांटे वाले गुलाब के पौधे का बनना, बिना पूंछ के पिल्लों का उत्पन्न होना, ये एग्जाम्पल इसके अंतर्गत लेते हैं। और सेट 3 की अपन बात करें तो उसमें कायिक विभिन्नताएं और जननी विभिन्नताएं, दो तरह की विभिन्नताएं आती हैं। तो सोमेटिक जो वेरिएशंस कहते हैं इसको अपन, एक प्राणी द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित की गई विभिन्नताओं को कायिक या उपार्जित विभिन्नताएं कहते हैं। अपनी लाइफ में जो एक्वायर्ड करते हैं जो वेरिएशंस को, उनको अपन कायिक या कमाई हुई उपार्जित विभिन्नताएं कहते हैं, जो उस जंतु की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। ये विभिन्नताएं केवल सोमेटिक सेल में उत्पन्न होती हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती हैं। जैसे ताप, आर्द्रता और आपके जो विकिरण हैं उनमें, उनके द्वारा या उनसे उत्पन्न विभिन्नताएँ बीजमैन ने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध कर दिया था कि कायिक रूप से होने वाले परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होते। जैसे लामार्क ने अपने सिद्धांत में कई बार इसका जिक्र किया है, एथलीट की विकसित मांसपेशियां, लोहार के दाएं हाथ की विकसित पेशियां, चीनी महिलाओं के पैरों का छोटा होना, दुर्घटनावश व्यक्ति का कटा हुआ हाथ या पांव, तो ये एग्जांपल ये हमें दर्शाते हैं कि कोई भी एथलीट की जो मांसपेशियां हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हों ये ज़रूरी नहीं है। लोहार के जो दाएं हाथ से अपना जो ज़्यादातर जो अधिकतम दाएं हाथ से का जो प्रयोग करते हैं उनकी पेशियां काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी अगली पीढ़ी में भी वो एज इट ट्रांसफ़र हो। और चीनी महिलाओं के पैरों का छोटा होना भी ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे पैर अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र हों। तो ये उदाहरण कायिक विभिन्नताओं के होते हैं जो अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। नेक्स्ट अपन बात करें तो जननीय विभिन्नताएं, जनन सेल में विभिन्नताओं के कारण होने वाले वेरिएशंस को ब्लास्टोजेनेटिक वेरिएशन या जननीय विभिन्नताएं कहते हैं। तो जनन सेल जो होती हैं, ओवम है, अस्पर्म है, उनमें जो वेरिएशंस होंगे, उसके डीएनए में जो चेंज होंगे वो ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस यानी जननीय विभिन्नताएं कहते हैं। ये आनुवंशिक होती हैं, ये अपन कह सकते हैं कि ये ज़रूर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे कभी कभी मनुष्य के हाथ या पैर में एक उंगली का अधिक हो जाना, तो ये म्यूटेंट होते हैं, म्यूटेशंस के द्वारा हो सकते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। त्वचा, बालों या आयरिस का कलर चेंज होना, कलर जो है वो चेंज कलर अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकता है। मधुमक्खी रानी और श्रमिक में लैंगिक विभिन्नताएँ होना,
तो जो मधुमक्खी होती है रानी और श्रमिक, उनकी जो लैंगिक विभिन्नताएं हैं उनमें लैंगिक अंतर पाया जाता है, यानी कि श्रमिक बंद होती हैं, स्टराइल होती हैं, और रानी जनन करने योग्य होती हैं। तो इस तरह से जननी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। थैंक यू।